बहुत से एफिलिएट्स अकाउंट क्रिएट किए हैं लेकिन आप लोगों को अप्रूवल नहीं मिल रहा, तो इस कंप्लीट वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगी कि क्यों आप लोगों को अप्रूवल नहीं मिल रहा और कैसे आप लोग अप्रूवल ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड फाइन। तो आप लोगों को अगर एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करने में मसला हो रहा है और आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा, आप लोग बहुत से ट्राई कर चुके हैं, द मेजर थिंग इज कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव ही नहीं होती, डिक्लाइन हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं रीजंस बता देती हूँ, रीजंस बताने के बाद उनके सॉल्यूशंस बता देती हूँ, सॉल्यूशन बताने के बाद आपको मजीद आगे भी रास्ते बता देती हूँ कि अगर नहीं हो रहा तो भाई क्या करना है। तो अगर ये सारी चीजें बता देती हूँ तो फिर भी अगर आप लोग कहें कि आपका एफिलिएट अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा है और आप लोग अर्निंग जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस आप लोगों को सब्र करना है और मजीद मेहनत करनी है ताकि आप लोग अच्छे तरीके से अर्निंग जनरेट कर सकें। एफिलिएट अकाउंट्स जो होते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप लोग जब भी किसी भी अकाउंट को पिक करते हैं, आप लोग हमेशा सोचें कि उसको पिक करना चाहिए या नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे आप लोग अपनी नीच को सिलेक्ट करना भूल जाते हैं, आप लोग बस देखते हो यार इसमें इतना कमीशन है, हम लोग तो बस इसको क्रिएट कर लेते हैं और काम कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए, सर्च करनी चाहिए, अपने इंटरेस्ट को देखना चाहिए कि यार मैं इसको सही तरीके से प्रमोट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आप लोग किसी भी ब्लॉग के ऊपर काम कर रहे हैं और वहाँ पर आप लोग ड्रेसेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोग अगर आके सेंड एंड ब्लू का अकाउंट क्रिएट करके वहाँ पर प्रमोशन करना चाहें तो मेरे नहीं ख्याल से वो काम करने वाला है। सेंड एंड ब्लू एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, तो आप लोग देखें कि आप लोग ईमेल मार्केटिंग को सही तरीके से प्रमोट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों का हमेशा वो सोशल प्लेटफॉर्म चेक करते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म आप लोगों ने वो देना है जिसको हम लोगों ने कभी भी हाथ नहीं लगाया, वहाँ पर पर्सनल हमने पिक्चर्स लगाई हुई हैं, पर्सनल हमने अपनी पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों ने यानी कि की हैं रैंडम, और आपने वो वाला प्लेटफॉर्म दे दिया है, भी एक्टिव प्लेटफॉर्म है, क्या हो सकता है हो जाएगा अप्रूवल, नहीं होगा ऐसे। आप लोग हमेशा अपने सोशल प्लेटफॉर्म को पहले रन करें, उसके मुताबिक लेके आएं और उसके बाद आप सोशल प्लेटफॉर्म को जो है वो अप्रूवल वाले लिंक में डालें। मिसाल के तौर पर समझाती हूँ मैं, अगर आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप 12 से 15 रील्स डाल दें ईमेल मार्केटिंग के रिलेटेड, आप ईमेल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म को जो है वो प्रमोट करें, प्रमोट करने के बाद उसके बारे में बताएं, अगर रील्स नहीं बना सकते फेस के साथ, आप इतने ज़्यादा मेथड्स आप लोगों के पास हैं कि आप विद इन फ्यू मिनट्स अपने लिए रील्स क्रिएट कर सकते हैं, AI का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत से मेथड्स मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं। अगर आप फिर भी रील्स नहीं बनाना चाहते हैं, रील्स इतनी जल्दी पॉपुलर होती है और आपको फॉलोअर्स मिलते हैं, अगर फिर भी रील्स नहीं बनाना चाहते हैं, मेरी तरह बहुत सुस्त हैं, तो आप पोस्ट का काम कर सकते हैं, पोस्ट को उठाएं, पोस्ट बनाएं, अगर नहीं बनानी आती मैंने आपको बताया हुआ है वो लें, अगर वो भी काम नहीं कर सकते पिंटरेस्ट का बताया हुआ है वो बनाएं। इतने आसान मेथड्स आप लोगों को मैंने बताए हुए हैं कि जिनके ऊपर आप लोग अगर एक हफ्ता काम करते हैं ना, सिर्फ एक हफ्ता काम करने से आप अपने सोशल प्लेटफॉर्म को अच्छा खासा रन कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। और यहाँ पर एक गलती मत कीजिएगा कि हम कुछ भी रील्स बना देते हैं बस, ऐसे नहीं, अपना माइंड पहले बनाएं कि हमने चीज़ किसको प्रमोट करना है। अगर आपने ईमेल मार्केटिंग की बिजनेस को प्रमोट करना है तो आपने ईमेल मार्केटिंग के रिलेटेड ही 15-20 दिन काम करना। अगर आपने B2B किसी SaaS बिजनेस को प्रमोट करना है, किसी भी रीडिंग बुक को प्रमोट करना है, किसी भी ई-बुक को प्रमोट करना है, इंस्टाग्राम को ही ले लें, इंस्टाग्राम के बारे में ही प्रमोट करना है, तो आप उसी के रिलेटेड ही आपने काम करना है, कोई भी तीसरी चौथी चीज़ नहीं डालनी है। फिर ना कहिएगा कि आपका प्लेटफॉर्म रन नहीं हो रहा, नहीं होगा, आपने एक ही चीज़ के रिलेटेड काम करना है, उसी के अंदर आपने मेहनत करनी है, अपने प्लेटफॉर्म को रन कर लें, 10 दिन लगा लें, 10 दिन पेशेंस के साथ काम करें, उसके ऊपर मेहनत करें, उसके बाद आप ऐसे की उम्मीद रखें कि भाई अब मैं लिंक प्रमोट करूँगा मुझे फ़ायदा भी होगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आपके सोशल प्लेटफॉर्म पर आपकी जो है वो ऑडियंस होगी, ठीक है। बिना ऑडियंस के अगर आप लोग अकाउंट एक्टिवेट कर भी लेते हैं तो आपको फ़ायदा नहीं है, तो इस चीज़ को प्लीज़ अपना माइंड बनाएं। अगर आपको मुश्किल लग रहा है कि मैं किस तरह से अपने सोशल प्लेटफॉर्म को रन करूं, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस आप लोगों ने सोच लेना है कि मैंने मेहनत करनी है, मेहनत रैंडम नहीं करनी, फिर से मैं बता रही हूँ, एक पर्टिकुलर टॉपिक को सिलेक्ट करें, उसके बारे में ही मेहनत करनी है, ठीक है, ताकि उस मेहनत का आपको फल मिले। अब बात करते हैं कि अगर आप फिर भी इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो फिर आपने क्या करना है, आप किसी रिलेटिव की, जानने वाले की कोई वेबसाइट लें जो इस आपके टारगेट के रिलेटेड है, आप उससे लिंक लें और वो डाल दें, आपको उससे भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेरे जानने वाले हैं और मुझसे मेरा लिंक मांगते हैं, जानने वाले हैं, तो मैं उनको
अलाउ कर दूंगी दैट यू कैन यूज माय लिंक। अब चलते हैं उस बात पे कि अगर फिर भी अप्रूवल नहीं मिल रहा तो क्या करें। तो कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म से अप्रूवल नहीं मिला, दो से नहीं मिला, तीन से नहीं मिला, चार से नहीं मिला, पांचवी से तो मिलेगा। तो दिल नहीं अपना छोटा करते हैं, मेहनत करते हैं, सोच लेते हैं कि मैंने काम करना है और इस बारे में मैंने काम करना है, और कोई भी यानी एक नहीं हो रहा दूसरे में अप्लाई करें, दूसरा नहीं हो रहा तीसरे में अप्लाई करें, चौथा नहीं हो रहा चौथे में अप्लाई करें, पांचवें में अप्लाई करें। अप्लाई करने के तो पैसे नहीं लगते हैं ना, तो आप लोग अप्लाई करें, एक साथ में अप्लाई कर दें, एक साथ में बहुत से वेरियस प्लेटफॉर्म पे एक दिन बैठे और अप्लाई कर दें और वेट करें, आपको एक ना एक तो अप्रूवल मिल जाएगा। जो अप्रूवल मिल जाए उसी पर काम शुरू कर दें, उसी को क्लिक करें और उसके ऊपर लग जाएं कि मैंने बस इसके अंदर ही अर्निंग करनी है। और सबसे ज्यादा इजी अप्रूवल लेना, मैं बता दूं किसका है, सबसे ज्यादा इजी अप्रूवल लेना है सीजे एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। एक प्लेटफॉर्म है नेमचीप का, अगर आपको नहीं पता नेमचीप क्या है तो एक होस्टिंग की साइट है जहाँ पर डोमेन परचेज होती है, डोमेन वेबसाइट के साथ लगती है, तो आप वो प्रमोट करना शुरू कर दें। वो बिना किसी एक मिनट लगाए आपके अकाउंट को ऐसे करके वो जो है वो अप्रूवल दे देते हैं। और दूसरा आपको अप्रूवल देता है होस्टिंग का, वो बहुत जल्दी अप्रूवल दे देता है। और होस्टिंग का तो आजकल ब्लैक फ्राइडे भी चल रहा है, 75% होस्टिंग के ऊपर ऑफ है, आप लोग उसको प्रमोट करना शुरू करें, आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर सवाल आप लोग करेंगे कि भाई इतने प्लेटफॉर्म आएंगे कहाँ से, इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म मैंने आपको इस वीडियो में बताए हुए हैं। मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाबी देंगे। और आप लोग कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं किसी भी तरह की। लाजमी नहीं है कि मेरी हर वीडियो देख के आपको हर प्रॉब्लम का हल मिल जाए, ऐसा नहीं मैं कहूँगी। हर एक पर्सन को अलहदा से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आपको फिर भी किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकूं और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।